राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। प्यारे बच्चों, आज आप जो कहानी आप सुनोगे उसका नाम है साधु और चूहा। एक था चूहा, उसे एक साधु बहुत प्यार करता था। साधु चूहे की सभी इच्छाएं पूरी करता था। कुटिया में साधु रहता था। साधु भला करता था सबका, सबका भला करो कहता था। साधु भला करता था सबका, सबका भला करो कहता था। नदी किनारे थी एक कुटिया, कुटिया में साधु करता प्यार उसे था, चूहे की किस्मत थी न्यारी। साधु की वो गोद में चढ़ता, साधु की वो गोद में चढ़ता, कभी कंधे पर करता सवारी। नदी किनारे थी एक कुटिया, कुटिया में साधु रहता था। डर कर वह कुटिया में आया, साधु ने उसे कुत्ता बनाया। कुत्ते ने बिल्ली को डराया। भागी बिल्ली, कुत्ता गुर्राया। दिवस ऐसा भी आया, एक शेर फिर गांव में आया।
दहाड़ से कुत्ता घबराया। कुटिया में वह दौड़ा आया। साधु से बोला, बाबा बस बस मुझको शेर बना दो झटपट। तंग आ चुका डरते डरते, हर दिन का मिट जाए झंझट। दया आई साधु के मन में, कुत्ते को झट शेर बनाया। शेर बना वो हुआ घमंडी, साधु को ही खाने आया। साधु हंसे उस मूरख पर, फिर से उसको चूहा बनाया। चूहा बना जब फिर से चूहा, अपनी गलती पर पछताया। घमंड करो मत अपने बल का, बात हमारी मत भूलो। सदा करो उपकार सभी का, उपकारी को मत भूलो। नदी किनारे थी एक कुटिया, कुटिया में साधु रहता था। साधु भला करता था सबका, सबका भला करो कहता था। सबका भला करो कहता था, सबका भला करो कहता था। सबका भला करो कहता था, सबका भला करो कहता था। सबका भला करो कहता था, सबका भला करो कहता था। साधु और चूहा, अभी आपने सुनी ये कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, सूत्रधार उर्मिला भार्गव, संगीतकार दिनेश प्रभाकर, गायन स्वर भूपेंद्र और धीरा, बाल गायक संस्कृति अनुराग और राशि, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन एम उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।